सो मैम आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। यस मैम प्लीज जी। अशी जी प्लीज आइए हमारे बीच में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, आई होप करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे। एंड आज हमारा कोई बहुत खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले एक मीटअप में। एंड आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि किसका मीटअप होने वाला है। वहाँ पे अपने को चार लोग मिलने वाले हैं और वो सब इन्फ्लुएंसर है। और आप अगर उनकी आईडी वगैरह देखोगे तो सब पे मिलियन लगभग फॉलोअर्स एट ब्लू टिक भी आपको मिल जाएगा। सो आज उसका जो एड्रेस है वो VR मॉल वेसू है, जो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो मैं और रौनक जाने वाले हैं, और प्रिंस और मोंटू का पता नहीं जाएंगे कि नहीं, लेकिन हमारा बिल्कुल डन है। और बाहर हो रही है बारिश, सो अभी तो कपड़े पहने हैं, बाकी ऊपर की जो शर्ट है वो मैं वहाँ पे जाके डाल लूँगा। लेकिन अभी मेरे को फिलहाल रेनकोट पहनना पड़ेगा, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है गाइस। यहाँ पे नहीं चलता, कभी भी आ सकती है। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अभी निकल रहे हैं सोसाइटी से, दोनों जन नहीं आए भाई। ये निकलना हूँ तो बोलता है एलविश यादव का मीटअप होगा, तभी जाऊंगा मैं। और वहाँ पे 4 से 6 बजे तक का टाइम बताया है उसने। ऐसा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिसको आना है वो आ सकता है। तो गाड़ी चला भाई, जाना कैमरे पर लग जाएगा 20 से 25 मिनट कम से कम, आधा घंटा भी लग सकता है ट्रैफिक हुआ तो, उधर जाके पता चलेगा। कभी भी यहाँ की बारिश आ जाती है, पर कपड़े गीले हो जाए फिर मज़ा नहीं आएगा। चलते हैं पड़ा कुछ बताइए। हम आपकी बहुत गुड लाइफ देखते हैं
दो लोग जा चुके हैं और भीड़ कुछ बहुत ज्यादा हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल है रौनक, सही है ना। तो गाइस अभी हम लोग भाई वहाँ से निकल चुके हैं एंड अब मैं और रौनक जा रहे हैं बाहर पार्किंग में से गाड़ी उठा के। और वो मतलब उनका टाइम तो 6 बजे तक था लेकिन वो रुक नहीं पाए क्योंकि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल थी। और भाई मतलब लोग यार पता नहीं क्या हो जाता है कि जहाँ मतलब लोग देखते हैं वो स्टेज पे चढ़ने लगते हैं, एक इसको जान स्टेज पे चढ़ने लगते हैं फिर धीरे धीरे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जो गेस्ट होते हैं वो उनको जाना पड़ता है, वो फोटो वगैरह भी क्लिक करा रहे थे, सबसे कराते लेकिन नहीं हो पाया सिस्टम, तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी अभी बाहर चलते हैं, चाय पीते हैं एंड उसके बाद मैं थोड़ा मैं और आपको बताता हूँ। तो जो आते हैं यार गेस्ट, जो गेस्ट बन के आते हैं उनकी भी गलती नहीं है यार, जो गेस्ट बन के आते हैं उनकी भी गलती नहीं है ना यार, क्योंकि वो गेस्ट बन के आएंगे स्टेज पे, इतनी भीड़ थी उसमें, भीड़ तो फिर लोग वैसे समझते नहीं क्या कर सकते हैं। अभी चल रहे हैं आपको जा चुके हैं हम लोग रिलायंस एंड हमको मोंटू सेठ ने ज्वाइन कर लिया है, वहाँ तो आए नहीं लेकिन यहाँ भाई चाय पीने आ गए हैं। क्या वो प्रिंस क्या बोला रे? मैंने बोला 10 मिनट है तेरे पास, मैं नीचे उसको खाते सो जाता है भाई, वो 1 बजे खाते सारा तुरंत सोएगा, 6, 7, 8 अनलिमिटेड, जब तक उठाओगे नहीं तब तक नहीं उठेगा भाई वो, क्या करेगा। लेकिन सेठ ना, तो सेठ लोग ऐसे ही होते, क्या करते हैं। और 12 रुपए में हम लोग को मिला है रिलायंस मार्ट में खुला हुआ मक्का 12 रुपए का। मोंटू ने उन दोनों के तो प्रिंस रौनक और मिथिलेश का तो सावन है तो वो तो खाते नहीं है, तो हम लोग ने एक ले लिया, उसमें आधा आधा कर रहे हैं, खा रहे हैं, अब जाएंगे घर पे। मजा आ रहा है तेरे को मेरे को देख के?